देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक बड़ी दुखद घटना है, ये होनी नहीं चाहिए और ये बड़ा अच्छा है जो आपने मुहिम शुरू किया है ताकि एक तरह से इस सोशल और मेडिको सोशल फैक्टर को अच्छे से टैकल किया जाए। पहली चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा, बेबीज़ के अंदर कई बार इस तरह की प्रॉब्लम आती है, जैसे म्यूकोनियम एस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें कि नवजात शिशु को बिना वेंटिलेटर के और बिना एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्कुल नहीं बचाया जा सकता। मैं भी एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, मैं बेयर हैंडेडली बिना वेंटिलेटर के उस बच्चे को किसी भी हिसाब से नहीं बचा सकता, जब तक कि मेरे पास वेंटिलेटर नहीं है, ट्रेंड स्टाफ नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है इन्वेस्टिगेशंस की। तो अगर वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो इस बच्चे को किसी भी, जिस अस्पताल में वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पर रखने से भी कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज नथिंग मोर नथिंग लेस देन अ वेंटिलेटर विल सेव दिस चाइल्ड, क्योंकि बिना वेंटिलेटर की इक्विपमेंट के इसको बचाना बहुत बहुत मुश्किल है जी। अब अगर किसी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो डेफिनेटली उनका ये फर्ज बन जाता है कि फोन करके पता करें, बल्कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जिससे कि फटाफट पता करें कौन से हॉस्पिटल में वेंटिलेटर उपलब्ध है और बच्चे को उस वेंटिलेटर वाले सेटअप में ले जाने के लिए मदद करनी बहुत जरूरी है ताकि कोई इंसानी जान जो है वो ना जाए। तो अगर वेंटिलेटर एक अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है और जिस तरह से 5 घंटे बच्चा जो है सड़क पे रहा, तो बिना वेंटिलेटर के इस तरह के बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको मीडिया रिपोर्ट भी एक बता देता हूँ, आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था कि 2 हॉस्पिटल्स हैं जो सरकारी हॉस्पिटल हैं बच्चों के, जिसमें मात्र 20 वेंटिलेटर्स हैं। अब आप देखिए, इतनी बड़ी दिल्ली में जिसमें की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, कितनी डिलीवरीज होती हैं और कितने ऐसे नवजात शिशु निकलते हैं जिनको की वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। तो डेफिनेटली ये मैसेज है कि वेंटिलेटर्स की संख्या और NICU की संख्या बढ़ानी चाहिए, हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। अच्छा, उनका उल्लंघन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स SOPs की आप बात कर रहे हैं, हाँ